नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। आतंकवाद पर भारत और ब्रिटेन साथ साथ, माल्या पर भी कसेगा शिकंजा। भारत और ब्रिटेन ने आतंकवाद से मुकाबला करने और उनको बढ़ावा देने वाले आतंकवादी समूहों तथा लोगों को न्याय की जद में लाने का संकल्प जताया। इसके साथ ही दोनों देशों ने एक दूसरे के भौगोलिक क्षेत्र में भगौड़ों को कानून से बचने का मौका नहीं देने पर सहमति जताई। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के तौर पर टेरेजा यूरोप के बाहर अपने पहले द्विपक्षीय दौरे पर भारत आई हैं। उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी से विस्तृत बातचीत की। अधिकारियों ने उन 57 भगौड़े लोगों की सूची ब्रिटेन को सौंपी जो भारत में वांछित हैं। साथ ही उद्योगपति विजय माल्या के जल्द प्रत्यर्पित किए जाने की उम्मीद भी जताई, जो धन शोधन मामले में आरोप का सामना कर रहे हैं। करीब 3 घंटे की विस्तृत बातचीत के बाद दोनों प्रधानमंत्री व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने पर भी सहमत हुए और उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा के दौरान ही भारत और ब्रिटेन के बीच £1 अरब से ज्यादा के व्यापारिक सौदों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मोदी के साथ संयुक्त रूप से मीडिया से बातचीत करते हुए मे ने व्यापार केंद्रित 2 वीजा कार्यक्रमों की घोषणा की। वहीं भारत ने उनका ध्यान अपने छात्रों और कामकाजी पेशेवर पर ब्रिटेन के सख्त वीजा प्रावधानों के पड़ने वाले प्रभावों की ओर भी आकर्षित किया। आधिकारिक ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार भारतीय नागरिकों को जारी किए गए स्टडी वीजा की संख्या घटकर 11,864 रह गई, जो 2010 में 68,238 थी। दोनों नेताओं ने व्यापार को बढ़ावा देने और वीजा व्यवस्था को सरल बनाने के अलावा सुरक्षा तथा रक्षा सहयोग सहित विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने साझा हितों वाले क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने दक्षिण एशिया को स्थिर, खुशहाल और आतंकवाद से मुक्त होने की आवश्यकता पर भी बल दिया तथा सभी देशों से इस लक्ष्य की दिशा में काम करने का आह्वान किया। और अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एम्स में भर्ती। प्रदूषण से दिल्ली परेशान, हटेंगे 15 वर्ष पुराने डीजल वाहन। राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय। अमेरिकी चुनाव में नासा के अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष से डाला वोट। और महात्मा गांधी के पौत्र कनुभाई का निधन।